हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिलोन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक हेल्प एंड मिलोन। अगर आपने मेरे चैनल पर नए आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में एक घंटा आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी का मेरा तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, जिसका 2018 साल बहुत ही बुरा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका 2019 साल बहुत ही अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। इस साल में पेटीएम का KYC चालू हो गया। 2018 साल में बहुत बहुत सारे यूज़र्स को पेटीएम KYC नहीं हुआ, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप पेटीएम पे मिनी KYC एंड फुल KYC कैसे करोगे। तो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, कहीं भी मत जाना, वीडियो छोड़ के जाओगे तो कुछ भी नॉलेज नहीं आएगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आपका पेटीएम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी पेटीएम ऐप है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आपका पेटीएम ऐप को अपडेट करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा पेटीएम ऐप ऑलरेडी अपडेट है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपका अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट करके फिर से ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा पेटीएम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप ओपन करोगे तो आपको पास इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली पासबुक पे ऑप्शन में जाना है। बहुत सारे यूज़र को पेटीएम KYC का ऑप्शन मिल गया, और जिनको पेटीएम KYC का ऑप्शन नहीं मिला वो सिंपली क्या करना, वो सिंपली पासबुक में चले जाना है। जैसा कि आप पासबुक में क्लिक करोगे तो आपको पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप पैन कार्ड से भी कर सकते हो, पासपोर्ट से भी कर सकते हो, वोटर आईडी से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी कि 2018 में एक नया अपडेट था, आपका आधार कार्ड से भी कर सकते हो, बट 2019 में उन बहुत सारे रूल्स चेंज हो गया। तो आपको सिंपली, तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में पेटीएम KYC वोटर आईडी से करूँगा। तो आपको सिंपली क्या करना, आपको सिंपली वोटर आईडी से क्लिक कर देना है। क्लिक करके तो आपको पास वोटर आईडी मांग गया, तो आपको सिंपली क्या करना, आपको सिंपली आपका जो नेम है आपको टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं नंबर को टाइप कर देता हूँ, WB10 2821472 77। और नीचे में आपको आपका जो फुल नेम है आपको लिख देना है, जो आपका वोटर कार्ड पे है। तो फ्रेंड्स, मैं इस नाम को लिख देता हूँ, KSHINATHDHAR। आपको लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आई कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कॉन्फी में क्लिक करना, आपको सिंपली क्या करना, आपको सिंपली इसको सबमिट कर देना है। जैसे कि आप इसको सबमिट करोगे तो आपको KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा जो पेटीएम KYC वो बिल्कुल हो गया। तो फ्रेंड्स, एक मिनी KYC है। अगर आप फुल KYC नहीं करोगे तो आपको मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा कि आप फुल KYC नहीं कर पाएंगे। आपको एक पेटीएम एजेंट के साथ कांटेक्ट करना है, और आपको एक मोबाइल रिटेलर का में जाना है, तभी आप फुल KYC कर पाएंगे। अगर आप फुल KYC नहीं करोगे तो आपको मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मन में कोई सवाल है मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।